यहीं से रूपा जी बात करें अगर ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की, तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है यानी कि जो सी है, सी ने अपने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें सी ने साफ साफ बताया है कि फरवरी 2022 में खाद्य तेलों का आयात 23% बढ़ा है पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले। और ये जो तेजी आई है ये इसलिए आई है क्योंकि शिपमेंट ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो इम्पोर्ट है ज़्यादा किया जा रहा है, खपत ज़्यादा हो रही है। और रूपा जी हमने ऊपर से ये भी देखा है कि सूरजमुखी तेल की जो सप्लाई है वो भी इम्पैक्ट हुई है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सूरजमुखी तेल की जो सप्लाई इम्पैक्ट हुई है वो घरेलू मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल और सरसों तेल से पूरी की जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, सूरजमुखी तेल की बजाय जो दूसरे तेलों की जो अब डिमांड बढ़ रही है और जो कंजप्शन बढ़ रहा है, तो क्या उसके चलते अब खाद्य तेलों में तेजी संभव है आगे जाके, या फिर जो सरसों का तेल अब मार्केट में आने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर वो इस तेजी को रोक देगा? देखिए जो सरसों का जो बात है, सरसों में तो देखिए एक्सपेक्टेड है कि अगर आगे चलकर जो अराइवल्स आएंगे उनका इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक ये सनफ्लावर ऑयल की बात है, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ही हम देख रहे हैं कि अदर एडिबल ऑयल पैक जो है वो भी थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसका असर हमने तेलों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर ये सुलझ जाता है तो फिर बाजार जो है वो रुक पे जाएंगे और फिर तेजी जो है वो थमती हुई दिखाई देगी। अभी के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर सोयाबीन में भी उछाल आ सकता है, लेकिन सरसों में उतनी ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है जितनी रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन में एक्सपेक्ट की जा रही है। जी,